हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल। अभी जो आपके सामने न्यूमेरिकल डिस्प्ले है उसको मैं रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। क्वेश्चन गिवन है, प्रोसेस बी 125 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए, यानी प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जो है 125 यूनिट्स के हैं जिसकी कॉस्ट है 2810 रुपीज़। एडिशनल एक्सपेंस हुए जिसकी वैल्यू है 290 रुपीज़। 20% ऑफ़ द यूनिट जो एंटर्ड हुए थे वो नॉर्मली लॉस हो जाते हैं और जिसको सोल 4 रुपये के हिसाब से कर दिया जाता है। प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो 110 यूनिट हो जाता है और बोलते हैं प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये भी बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं चाहती तो इसको बोल देती आपको सेल्फ करने के लिए, बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको कैच कराना चाहूँगी कि लास्ट जो न्यूमेरिकल मैंने कराया था वहाँ पे मैंने नॉर्मल लॉस की जो वैल्यू थी उसको लेज़र में नहीं दिखाया था और यहाँ पे हम दिखाएंगे और फिर उसके बारे में भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर्स हो गए आपके, यूनिट हो गया एंड रुपीस अमाउंट। प्रोसेस ए से जो आया, ठीक है, 125 यूनिट्स आए थे, 2810 जनरल एक्सपेंसेस यानी बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए थे एडिशनल 290, है ना। उसके बाद बाई नॉर्मल लॉस था आपका कितना, 20%, 125 का 20% आपका 25 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसको सेल किया था 4 रुपये के हिसाब से, यानी 25 × 400। लास्ट वाले एग्जांपल पे मैंने नहीं करवाया था रीज़न, और मैं इस यूनिट में करवा रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने नहीं इंक्लूड कराया और यहाँ पे इंक्लूड करा रही हूँ। डिफरेंस क्या होगा, आपका जो क्लोजिंग फिगर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इसीलिए है कि कुछ कुछ ऑथर्स इस लॉस को जब नॉर्मल लॉस कंसिडर करते हैं और कैलकुलेशन का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है, कि वैल्यू तो भाई नॉर्मल लॉस की वो हो जाती है, उसका हम वैल्यू नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इस केस में ये जो 100 रुपये है जो मैं अभी दिखा रही हूँ और वो नहीं दिखाते, यानी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था हमने नहीं दिखाया था। ठीक, बट एज पर CMA यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपको जितने भी रिलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो इसको प्रेफर करते हैं शो करना, ताकि एक प्रूफ और फेयर व्यू आ सके। ठीक है, ताकि अगर कोई इसके पेपर्स या बुकवर्स को देखे तो उनको नॉर्मल लॉस की कितना एस्टिमेट बन सकता है उस समय के हिसाब से, है ना, वो देखे। तो हम अब अपने सारे न्यूमेरिकल्स में और फ्यूचर न्यूमेरिकल में और आप अपने एग्जाम हॉल में भी इसको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैच था न्यूमेरिकल ये वाला आपको करवाने का। ठीक है, और बाई प्रोसेस सी अकाउंट, ठीक, कितना यूनिट था, 110 मिनट्स था। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था 125 यूनिट्स। ठीक है, 125 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 25 यूनिट्स हो गया, तो 100 यूनिट आपका नॉर्मल आउटपुट आ गया। ठीक, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कितना हो रहा है, एक्चुअल आउटपुट जो हो रहा है वो 110 यूनिट हो रहा है। तो ये 10 यूनिट क्या हुआ, एक्स्ट्रा आउटपुट हो रहा है ना, आपके पास बुक में है नहीं और आप ज़्यादा ही निकल जा रहे, तो ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल गेन। ठीक है, 10 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे एबनॉर्मल गेन की, सेम वही नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट इंटू एबनॉर्मल यूनिट्स। ठीक है, जो भी एबनॉर्मल आपकी यूनिट्स आ रही हैं, तो एबनॉर्मल गेन आपका वैल्यू कितना था, चलिए देख लेते हैं, 2810 है, ठीक, प्लस 290, 3100 रुपये हुए और 100 रुपये ये, ठीक है, 3100 माइनस ये नॉर्मल लॉस की वैल्यू और आपका नॉर्मल आउटपुट कितना आया हुआ है, 100 यूनिट, और एबनॉर्मल गेन की यूनिट कितनी, 10 यूनिट है। ठीक, सॉल्व करेंगे 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा आपका टू एबनॉर्मल गेन, 10 यूनिट्स है और 300 रुपये है, ठीक। टोटली आपका कितना हो गया, 135 हो गया, 135 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3100 प्लस 300, 3400, 100 दिखा है यहाँ पे डिफरेंस, ये हो जाएगा, ठीक। अगर वो सीएमए के रूल्स को नहीं फॉलो करते और ट्रू एंड फेयर व्यू पे नहीं जाते, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपका डिफरेंस आता है, वो कहाँ आता है मैं बताती हूँ। ये देखिए, इस ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी सेम आएगा आपका, ये भी सेम आएगा, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, बिकॉज फॉर्मूले में तो आपको माइनस करना ही करना है, सिर्फ फिगर आएगा इस जगह पे, यहाँ पे 3300 की जगह फिर 3400 हो जाता है ना, तो ट्रू पिक्चर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारे किसी क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, फिर प्रोसेस अकाउंट, तो क्या है, जब इन ये आउटपुट गलत होगा तो इनपुट भी तो दूसरे प्रोसेस में गलत दिखा, तो ट्रू फेयर व्यू तो नहीं आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको दिखाना इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट कैच था जो कि मैंने इस न्यूमेरिकल पे आपको फोकस कराया है और लास्ट न्यूमेरिकल पे कंसिडर नहीं किया। तो अब आप लास्ट वाले न्यूमेरिकल को एक बार रिकैलकुलेट करके यहाँ पे उसकी वैल्यू नॉर्मल लॉस के कर लेंगे, ठीक है। चलिए एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपको एबनॉर्मल गेन जो है वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। एबनॉर्मल गेन अकाउंट सेम में लिख देंगे, प्लीज पर्टिकुलर यूनिट एंड रुपीस फॉर्म में, एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा यही सारी चीज़ें लेता है। बाई प्रोसेस बी अकाउंट 10 यूनिट था ना, 300 के हिसाब से, ठीक। और सेल कितना हो रहा था, 4 रुपये के हिसाब से, 40 रुपये के हिसाब से, लॉस ऑफ इनकम, लॉस ऑफ इनकम है ये एक तरीके से टू नॉर्मल लॉस अकाउंट बोल देंगे, लॉस ऑफ इनकम है ना, और डिफरेंस जो होगा आपका टू कॉस्टिंग, पीएनएल में चला जाएगा, कितना हो गया 260 रुपये। ठीक है, बेसिक अकाउंट्स क्लियर होगी तो ये क्यों ऐसे एंट्रीज हुई आपको क्लियर होगा। तो मैं ये प्रिज्यूम करके आ रही हूँ कि बेसिक आपको जनरल लेजर अकाउंटिंग का क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ही यूनिट क्यों दिखाई, क्योंकि जितना नॉर्मल गेन का यूनिट है उतने ही यूनिट से हम एस्टिमेट करेंगे कि मेरा वो जो स्क्रैप वैल्यू था 4 रुपये, वो इनको भी एस्टिमेशन लॉस का भी कैलकुलेशन उसी सेम यूनिट पे करेंगे, ठीक है, जितना नॉर्मल गेन यूनिट का होगा, और डिफरेंस फिगर जो होगा आपका कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद द न्यूमेरिकल, और दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने इस न्यूमेरिकल में आपके साथ शेयर किए, एक कि आपको नॉर्मल लॉस की वैल्यू दिखानी है लेजर में, और दूसरा एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट विद दीज टू एस्पेक्ट और इन एरियाज ऑफ द न्यूमेरिकल, प्लीज़ फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।